हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माधव अकाउंटेंसी क्लासेस। आज जो ये लेक्चर है ये आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम 9 to 10 marks, यस गाइस, 9 to 10 marks के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, वैसे ही क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको इस लेक्चर को एंड तक देखना है ताकि आपके एग्जाम में 9 to 10 marks कंफर्म हो सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर, लेट्स स्टार्ट। तो हमने जो लेक्चर ये लिया है, जो हम ये लेक्चर आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो इशू ऑफ डिबेंचर, यस गाइस, इशू ऑफ डिबेंचर में से कर रहे हैं। उसमें से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक किए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को समझना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, दैट इज ओजोन जिम लिमिटेड इशू 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। उन्होंने 10% डिबेंचर 100 का एक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार, रिडीम हो रहा है पार पर, ठीक है गाइस, टू मीट द लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट ऑफ ₹90 लाख। उनको जो पैसा चाहिए वो 90 लाख चाहिए। उन्होंने ये नहीं बताया अभी कि कितने डिबेंचर इशू किया है, उन्होंने ये बोला है कि ₹100 का एक डिबेंचर, 10% डिस्काउंट, मतलब ₹10, मतलब एक डिबेंचर जो इशू कर रहे हैं वो 90 में कर रहे हैं और रिडम्पशन होगी पार पर, इतनी बात बोली है। और उनको पैसा चाहिए 90 लाख, ठीक है, टू सेट अप अ न्यू फिटनेस सेंटर। द इशू वाज पेबल, इशू प्राइस वाज पेबल 50% ऑन एप्लीकेशन, 50% एप्लीकेशन पर आएगा, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, बाकी अलॉटमेंट पर आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बैलेंस इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट वाज 5 लाख, ठीक है, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज ₹7,50,000, ठीक है। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड, आपसे मांगा क्या गया है, पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। एक तो हमें डिबेंचर को इशू करने की जर्नल एंट्री डालनी, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, आपको ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाना है। और तीसरा डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, कितना हमारा टोटल प्रॉफिट और लॉस हुआ है साल में, वो हमें बताना है। ये तीन चीजें आपको बतानी है और ये 6 marks का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझना है और मेरे साथ करते चलना है ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज डालनी है। देखो, हमें ये बोला गया कि हमें पैसा चाहिए 90 लाख, ठीक है, अब ये नहीं बोला कि कितने डिबेंचर इशू किए हैं, तो यहां से हमें निकालना पड़ेगा। हमारा एक डिबेंचर है 100 का, हमने ₹10 डिस्काउंट पर किया है, तो कितने का हुआ 90, तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे 90 से, क्योंकि एक डिबेंचर 90 का दिया है, तो हमने कितने डिबेंचर इशू किया है, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 1 लाख। हमने जो डिबेंचर इशू किया है 1 लाख इशू किया, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हमने दिए हैं, इशू की है, ठीक है। इसके बाद सेकंड, क्योंकि हमें पैसा चाहिए 90 लाख, जब 1 लाख डिबेंचर इशू करेंगे 90 का एक होगा तभी तो 90 लाख आएगा, गॉट इट गाइस। इसके बाद हमारे पास सेकंड थिंग आती है, उसने बोला द इशू प्राइस वाज पेबल 50% ऑन एप्लीकेशन। 50% किस पर आएगा, एप्लीकेशन, मतलब 90 का 50%, 45 हमें एप्लीकेशन पर मंगवाना है और 50% हमने किस पर मंगवाना है, दैट इज ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर मंगवाना है। तो हमें पहले इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है और रिडम्पशन जो है वो पार पर है, मतलब फ्यूचर में हमारा कोई भी क्या नहीं है, लॉस नहीं है। तो पहले इसकी एंट्री करते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना आएगा 45, 1 लाख डिबेंचर है, 45 × 1 लाख 45 लाख। तो पहली एंट्री होगी, दैट वुड बी, देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 45 लाख, 45 लाख, ठीक है। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन 2% डिबेंचर, जितने परसेंट डिबेंचर है कितने परसेंट है, देखिए 10% है, तो 2 10% डिबेंचर, दैट वुड बी 45 लाख, ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन 2 10% डिबेंचर 45 लाख, 45 लाख, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे अब दूसरी एंट्री बहुत ध्यान से देखना। अब देखो बाकी जो आएगा रिमेनिंग 50% कब आएगा, अलॉटमेंट, ठीक है। अब अलॉटमेंट पर 45 हम मंगवाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर हम क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना होगा, दैट वुड बी 45 रुपीज। अब मुझे ये बताइए क्या हमारा यहां पर लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ नहीं बोला जाता तो हम क्या मानते हैं कि जो लॉस होगा या डिस्काउंट होगा वो हमारा कब माना जाएगा, अलॉटमेंट पर माना जाएगा। अब 100 वाला डिबेंचर हम कितने में इशू कर रहे हैं, 90, ₹10 का हमारा लॉस हो रहा है, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो हमें यहां पर दिखाना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर,
₹10 का लॉस है तो ये आ जाएगा 10 लाख, ठीक है। और टू में 10% डिबेंचर, क्योंकि ओरिजिनल तो देखो ओरिजिनल 45 हमारा एप्लीकेशन पर आया, और ओरिजिनल 100 में से 45 को माइनस करेंगे दैट वुड बी 55। 55 किस पर होगा? ओरिजिनल दैट इज 55, इसमें ₹45 तो आएगा, ₹10 का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो हमने क्या किया, डिबेंचर अलॉटमेंट 45, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10 लाख, टू 10% डिबेंचर दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 55 लाख। क्योंकि डिबेंचर में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट आता है, हमेशा याद रखिए ओरिजिनल अमाउंट आता है, ये बात आपको समझ आई होगी। और हमारा फ्यूचर में लॉस नहीं है तो हमें उसकी एंट्री पास करने की यहाँ पर क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड एंट्री तो हमारी ये हो गई। अब पैसा आएगा, पैसा आएगा कितना, 45 लाख या 55 लाख? 45 लाख। यस गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 45 लाख। तो ये आपकी चौथी जर्नल एंट्री हो जाएगी। चेक कीजिए गाइस ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। देखो डिबेंचर अलॉटमेंट 45 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10 लाख, टू पर 10% डिबेंचर 55 लाख, और पैसा आएगा कितना, 45 लाख एंड 45 लाख। उसके बाद क्या बोला गया, देखो उसके बाद और कुछ नहीं है। तो ये डिस्काउंट हमारा क्या हुआ है, ये हमारा डिस्काउंट क्या है, लॉस। आपको पता है डिस्काउंट, ये बात ध्यान रखना, जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। जो हमारा डिस्काउंट है, देखिए मैं लिख भी देता हूं, डिस्काउंट या लॉस, उसको उसी साल क्या करवाया जाएगा, राइट ऑफ, ठीक है। किस में से, याद रखना गाइस, दो में से। कुछ बुक्स में गलत लिखा हुआ है, वो पुराना मतलब पुराना रीप्रिंट कर किया हुआ है तो वो गलत है, याद रखना केवल दो में से होगा। पहला किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम में से, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में से। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कईयों में कैपिटल रिजर्व है वो नहीं होगा, इसलिए ऊपर कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है। कई बच्चे गलती से इसको कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। या तो पहले होगा, पहले पहले होगा हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो हमें इसको पूरे के पूरे जो डिस्काउंट हमारा, जो ये लॉस है कितने का, 10 लाख का, ये हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ किससे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो लास्ट एंट्री वुड बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है गाइस। और एक बात और बोलना चाहूंगा इसके रिगार्डिंग, कि ये जो हम राइट ऑफ करते हैं ये कब होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर डेट गिवन हो तो हम ये एंट्री जो करेंगे वो एट द एंड ऑफ द ईयर करेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, टू में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10 लाख, ठीक है। और हमें इसका अकाउंट भी बोला गया था, किसका, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। देखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, दो जगह आ रहा है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू 10% डिबेंचर, तो चेक करो टू 10% डिबेंचर यहाँ आ जाएगा, इज इट फाइन, बिल्कुल इजी। और दूसरा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, हमने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हमारा सेकेंड पार्ट था। इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, दैट इज डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, कितना पूरे साल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस। हमारा लॉस था ऊपर दिया था, देखो गाइस यहाँ पर लॉस हमें ऊपर दिया गया था, दैट इज 7,50,000। हमारा जो लॉस आया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से वो 7,50,000 आया, और हमने 10 लाख और लॉस डाल दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमने लास्ट एंट्री यही की है, 10 लाख, तो हमारा टोटल लॉस कितना हो गया, 7,50,000 प्लस 10 लाख, 17,50,000, ये हमारा टोटल लॉस हो गया, दैट इज योर सी पॉइंट। तो ये आपका बेसिकली 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक डिफरेंट क्वेश्चन था तभी मैंने आपको करवाया, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इजिली क्या कर पाओ, अटेम्प्ट। और ऐसे ही इसी के जैसा मिलता जुलता आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए गाइज आगे चलते हैं एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, इश्यू ऑफ डिबेंचर के देखिए, दैट इज योर ऑन 1 अप्रैल 2021 असोला वर्ल्ड सेंचुरी लिमिटेड परचेज एसेट्स, उन्होंने परचेज की एसेट 8,60,000 एंड टुक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 1,80,000, ठीक है, ऑफ भरतपुर सेंचुरी लिमिटेड एट एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 7,60,000। जो कंसिडरेशन है वो 7,60,000 है, मतलब हमें उसको 7,60,000 देना है। इट इशूड 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, उन्होंने 10% डिबेंचर 100 का एक एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% डिस्काउंट पर उन्होंने दिया है, रिडीमेबल एट पार, फ्यूचर में जो रिडीम होगा वो पार पर होगा, इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। मीन्स ये वाला पैराग्राफ अगर मैं बात करूं, हमने क्या किया है, एसेट खरीदी है या बिजनेस खरीदा है, ठीक है, उसके बदले में हमने उनको डिबेंचर्स दे दिए। बेसिकली अगर मैं बात करूं, दैट इज अदर देन कैश,
ठीक है, कि हम एसेट खरीद रहे हैं उसके अगेंस्ट डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, ये वाला अभी तक क्वेश्चन है। इट इश्यूड 5,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, उन्होंने 5,000 डिबेंचर भी इश्यू कर दिए पार पर, रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर्स एट 5% प्रीमियम, जो फ्यूचर में जो रिडीम होगा 5% प्रीमियम पर होगा। ये उन्होंने क्या किया, डिबेंचर इश्यू किए किसमें, कैश में, ठीक है, और रिडम्पशन जो है वो 5% प्रीमियम, ये एक अलग चीज आ गई। द कंपनी हैड 1,20,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,20,000 है, तो इससे हम जो भी लॉस वगैरह होगा राइट ऑफ कर सकते हैं। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ असोला बर्ड सेंचुरी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, हमें इसकी क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री। अब देखो यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 दिया हुआ है और उन्होंने एसेट परचेज किया, तो पहली एंट्री क्या होगी, 1 अप्रैल 2021 को हमने एसेट परचेज किया, तो हम क्या कहेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, यही कहेंगे, कितने से, 8,60,000। टू में सन्ड्री लाइबिलिटी, हमने लाइबिलिटी भी ली है, कितने की, 1,80,000, और टू में हमें उसको जो पैसा देना है वो कितना देना है, 7,60,000, किससे खरीदी है, दैट इज भरतपुर, भरतपुर सेंचुरी लिमिटेड, ठीक है, आप लिख लेना पूरा, दैट इज 7,60,000। तो देखो ये हो गया कितना, 8,940, और ये कितना है, 8,60, तो इसका मतलब हम ज्यादा पे कर रहे हैं, तो वो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, हमारा गुडविल, याद रखना गाइस, ये हमारा गुडविल आएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 80,000, ठीक है। अब हमें उसको देना कितना है, 7,60,000 देना है, ठीक है, तो उसको हम क्या दे रहे हैं, इट इश्यू 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, अगेन नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं दिए कि हमने कितने दिए हैं, तो यहां पर फिर हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमें निकालने पड़ेंगे, तो 7,60,000 हमने जो एक डिबेंचर दिया है, 100 रुपए का एक डिबेंचर एट 5% डिस्काउंट, मतलब 95 में, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 पे जा रहा है, ये आ जाएगा 8,000, हमने उसको डिबेंचर दिए 8,000, तो ये आपको नरेशन में या वर्किंग नोट में आप करके दिखा सकते हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, डेबिट हो जाएगा कितने से, 7,60,000, टू में, ध्यान से समझना, हमने उनको कितने परसेंट डिबेंचर दिए, 10% डिबेंचर दिए, 8,000 डिबेंचर दिया है, डिबेंचर में हमेशा ओरिजिनल आता है, 8,000 × 100 दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 8 लाख, और हमने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना आ जाएगा, 40,000, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये दो एंट्री हमारी, जो ये फर्स्ट पैराग्राफ था, अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ की बात करूं, इसकी ये दो एंट्री हो गई। अभी एक तीसरी एंट्री भी रहती है कि डिस्काउंट को हमें क्या करना है, राइट ऑफ, ये हम कंबाइन कर देंगे, क्योंकि थर्ड एंट्री में, सॉरी सेकेंड पैराग्राफ में बोला गया है कि उसने जो इशू किया 5,000 12% डिबेंचर 100 ईच एट पार, ठीक है, रिडीम कर रहे हैं आफ्टर 3 ईयर्स एट 5% प्रीमियम, ठीक है, तो अब ये नहीं बोला गया कि पैसा पूरा एक बार में मंगवाया गया या नहीं, तो हम मानते हैं एक ही बार में मंगवाया गया, तो वी विल यूज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, 5,000, देखो 5,000 डिबेंचर है एट पार, 100 रुपए में इशू किया, तो कितना आएगा, दैट वुड बी 5 लाख, ठीक है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दैट वुड बी 5 लाख, देखो ये हमारा आ रहा होगा, ये पहली एंट्री हो गई, ये दूसरी कर ली, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 लाख, क्योंकि पार पर किया, लेकिन हमें रिडम्पशन करनी है प्रीमियम पर, 5% प्रीमियम पर रिडम्पशन करनी है, तो अल्टीमेटली आप देखिए अल्टीमेटली क्या होगा, फ्यूचर का लॉस हो रहा है, तो हमें सेकेंड एंट्री में उस लॉस को 5 लाख के ऊपर 5% कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 25,000, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तो हम क्या कहेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दैट वुड बी 5 लाख, फ्यूचर का लॉस है तो वी विल यूज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 25,000 टू 12% डिबेंचर, 12% है ये वाले, तो ये आ जाएगा ओरिजिनल 5 लाख, और ये जो लॉस है ये फ्यूचर में होना है, इसको हम एक अकाउंट में डाल देते हैं, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है गाइस, तो ये भी हमारी दोनों एंट्री हो गई जो सेकंड पैराग्राफ था। अब हमें क्या करना है, इनको राइट ऑफ करना है, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है, देखिए हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अवेलेबल है, 1,20,000, तो एक पहले डिस्काउंट हुआ था 40 का, अब कितने का हुआ है, 25 का लॉस है, तो हम इसको दोनों को राइट ऑफ कर सकते हैं, और मैंने बताया था अभी बताया कब किया जाएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना, देखो डिस्काउंट है हमारा 40, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हमारा है 25, तो 65 सिक्योरिटी प्रीमियम में से क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। आई होप
ये वाली भी दोनों, ये वाली हमारी जो पांच एंट्रीज हुई है, देखिए बेसिकली पांच, 1 2 3 4 5, पांचों की पांच एंट्रीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, अच्छे से समझ आई होगी। तो गाइज ये क्वेश्चन आपसे इश्यू ऑफ डिबेंचर में से पूछे जा सकते हैं। अगर आपको समझ आए हैं, अच्छे से क्लियर हुए हैं, तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड ग्रुप्स में, अपने क्लासमेट्स में इसको शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।